नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की मशहूर आमली की सब्जी। ये कच्चे आम की सब्जी है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। राजस्थान में इसे हमेशा बनाया जाता है और ये इतनी टेस्टी बनती है कि हर घर में ये सब्जी आपको मिल जाएगी। एक बार ही बनाओ और फ्रिज में 8 दिन तक इसको आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा सूखा करके इसको आप सफर में भी ले जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं आमली की सब्जी। यहाँ मैंने 1/2 किलो आमली ली थी, तो मैंने दुकान वाले से ही कटवा ली थी, तो जिसको मैंने अब अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है। ये काला काला अभी जाने लगी है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा इसमें कालापन आ गया है। आपने हमेशा इसका अचार ही खाया होगा, क्या आपने इसकी सब्जी खाई है? नहीं ना, तो राजस्थान में इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, आज हम उसी को बनाएंगे। तो हमने इसके 1/2 किलो आम के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसको डाल देंगे एक बर्तन में, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई ली है। अब इसके साथ डालेंगे हम प्याज। यहाँ मैंने तो मीडियम साइज की प्याज है, एक थोड़ी सी बड़ी है, तो इनको अच्छे से छील कर धो लिया है। अब इसको भी हम काट लेंगे। तो डायरेक्ट मैं इसे कढ़ाई में काट लेती हूँ। इस तरह से पतले पतले स्लाइस काटने हमें इसके। यहाँ हमने सभी प्याज को काट के डाल दिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज के बिना भी इसको बना सकते हैं। तो अब यहाँ डाल दूंगी मैं 1 गिलास पानी। अब हम इसको उबाल लेते हैं। यहाँ हमने अपनी कढ़ाई को गैस पर रख दिया। अब हम इसे उबलने देंगे जब तक कि हमारी आम भी सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ मुझे पानी कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी और डाल रही हूँ। अब हम इसे ढक देते हैं जिससे कि जल्दी से उबल जाए। यहाँ हम अपनी आमलियाँ चेक कर लेते हैं, गली की नहीं। एक आम भी निकाल लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। हमें ज़्यादा नहीं गलानी है इसको। ये देखिए, आराम से चक्कू जा रहा है, तो हमारी आमलियाँ अच्छे से गल गई हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम छन्नी में निकाल देंगे। इसका सारा पानी हमें निकाल देना है। अब बस प्याज और हमें आमलियों को रखना है, तो हम पहले पानी निकाल देते हैं। सब्जी बनाने से पहले हम उसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर नमक। नमक और मिर्ची आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इनको मिक्स कर देते हैं और पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। ऐसा करने से जब हम इसको तेल में डालेंगे तो हमारे मसाले जलेंगे नहीं, तो और थोड़े ये फूल भी जाएंगे, तो हमारी सब्जी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है और इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ हम आपको एक मसाला और दिखा देते हैं। ये हमारे यहाँ बना बनाया मिलता है हमारे दुकानों पे। इसमें सौंफ है, कलौंजी है और दाना मेथी है, तो इसे हम करेले का मसाला कहते हैं। आपके यहाँ जो भी बोलते हो, या आप अलग अलग लेके इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो इसे हम तड़का लगाएंगे, तो इसको भी रखते हैं साइड में। अब चलते हैं सब्जी बना लेते हैं। हमने फिर से वही कढ़ाई गैस पर रख लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है, तो डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जब जीरा थोड़ा सा भुन जाए तो डाल देंगे अपने ये मसाले जो इस सब्जी की जान है। इन मसालों को जलने नहीं देंगे। अब डाल देंगे इसमें हम जो हमने मसाले को भिगो के रखा था। कटोरी में थोड़ा पानी डालकर इसको डाल देंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। यहाँ देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, बिल्कुल तेल अलग हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है हमारे मसाले में से। जो हमने मसाला डाला है सौंफ, मेथी, कलौंजी, उससे सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी आमली, जिसको हमने उबाल कर रखा हुआ है। तो हमने आमली का सारा पानी निकाल दिया है, तो अब आमलियों को डाल देते हैं। अब हमें अपनी आमलियों को मसाले में भूनना है।
यहाँ हमने सारी आंबियों को मिक्स कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए मसाले में भून लेंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। यहाँ हमारी आंबियों को भूनते हुए 5 मिनट हो गए। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे चीनी। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास आज गुड़ नहीं है तो मैं चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं 1.5 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी बचा ली है, अगर मीठा कम लगेगा तो मैं डाल लूँगी। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। यह हमारी चीनी परफेक्ट है। तो अब हम इसको ढक देंगे और ढककर चीनी मेल्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सारी चीनी मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसका ये जो पानी है, ये थोड़ा पानी सुखा देंगे। ज़्यादा पानी हम सुखाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा पानी सुखा देते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा हम पानी को बचा लेंगे। तो गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं और इस पानी को थोड़ा सुखा लेते हैं। अब बिना ढके सुखाएंगे, जल्दी सूख जाएगा ये। यहाँ देखिए, हमारा जो ज़्यादा पानी था वो सूख गया है। थोड़ा बहुत हमने पानी इसको रख लिया है, क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अपनी सब्जी को सर्व कर लेंगे। ये हमारी स्वादिष्ट आंबी की सब्जी, खट्टी मीठी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं और फ्रिज में रखकर 8 दिन तक इसको खा सकते हैं अचार की तरह है।